Welcome back to Live Wire Transmission. Now it's time for international markets. नाज़रीन इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी बूम चल रही है आजकल, हर तरफ पॉजिटिविटी है और ट्रंप साहब सीना पीट रहे हैं कि जी मेरी वजह से 25,000 का लेवल क्रॉस कर गया। और इंडीड हमने पिछले दिनों काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है डाउ में, और कल भी जो है कल मगर थोड़ी सी गिरी है 0.23%, 25,238 का लेवल अभी भी मेनटेन करी है। जैसे हम 43 के ऊपर चल रहे हैं, 166 माइनस हो गई है, लेकिन फिर भी 43 के करीब हैं। वहाँ 25 हैज़ बिकम ए पिवोटल रोल लेवल, और 25 पहुँचना बड़ी बात। आई थिंक जब ये ट्रंप साहब इलेक्ट हुए थे तो शायद 21 वाला पे थी, और वहाँ से 25 तक आना इज़ ए ह्यूज थिंग। कल फुर्सी में भी थोड़ी सी कमी आई है 0.38%, 7,696 का लेवल। डैक्स में इजाफा है 0.36 का, 13,367। कैट में जो है इजाफा है 0.34, 5,489। नीके में भी इजाफा 0.89% का, 23,714। एचएसआई में भी इजाफा है 0.28 का, 30,899। बीएसई में इजाफा है 0.58 का, 34,352। तो इस फुटसी और डाओ के अलावा और जगह में सब बेहतरी नज़र आ रही है। ये दोनों बहुत बढ़ भी गए थे, थोड़ी सी कमी भी आ गई है। हमारी मार्केट में अभी हमारे साहब ने बताया कि 166 की कमी आ गई है। सुबह से 60 वाट के लेवल देख रहे थे, अब जो और बढ़ गया। तो कल की जो हमने हमारे नारा था कि 13 कंसेक्यूटिव डेज़ में 5,193 पॉइंट का बढ़ना वाज वेरी वेरी गुड, और उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन जो है 100-200-300 पॉइंट की होना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हो जाए। तो अगर 5,000 की इजाफा हमने 13 दिन में देखा है, आज का भी यू नेवर नो, क्योंकि कल अच्छी बात यह हुई है कि गोरों ने ख़रीदना शुरू कर दिया है बड़े पैमाने पे, और कल भी आपने देखा कि तकरीबन 12 मिलियन की बाइंग थी 11.44 की, और आप लोगों ने भी कल से हिम्मत पकड़ी है 3 मिलियन का ख़रीदा। तो अगर ये मोमेंटम जारी रहे तो आज मज़ीद मार्केट बढ़ सकती है और 45 वाले की तरफ जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आइए मीर साहब की तरफ फिर से चलते हैं। मीर साहब, ये जो ट्रंप का आना और उसके बाद से मार्केट का इतना बढ़ना, तो ट्रंप साहब तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं कि जी मेरी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुई है और स्टॉक मार्केट भी इतना बूम कर रही है, और उनके ताल्लुक हमारे साथ तो सही नहीं चल रहे। इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा ये जो धमकी वमकी आई है, और कल भी वजाहत आई उनकी मिनिस्ट्री से कि व्हाट वी आर सीकिंग इज एलिमिनेशन ऑफ हकानी एंड ये जो है एलईटी वाले जो हाफिज सईद हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर वो आप उनको हटा दें तो हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। तो ये जो उसका अप्रोच है एकदम इतनी एग्रेसिवली आता है और डरा देता है, हिला देता है, इसके बारे में आप हाउ डू यू सी ट्रंप? I don't think we should waste more time on Trump now, because हमारे पास अब और बेहतर options available हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी हमारे जो neighboring हमारा जो चाइना है, जो हमारा द बेस्ट फ्रेंड वी हैव नाउ, वो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, रशिया का इंटरेस्ट हमारे अंदर बेहतर होता जा रहा है, तो ये जो एक अलग ब्लॉक बन रहा है हमें ज़्यादा टाइम इस पर लगाना चाहिए, बजाय इससे कि हम एक ऐसे लेकिन अभी भी हम बहुत डिपेंडेंट अमेरिका पे। आपको देखिए, चाइना आपका बड़ा अच्छा दोस्त है ना जी, हर साल आपको 14 बिलियन का डेफिसिट देता है। ओके, जैसे अमेरिका को 500 का देता है, हमें भी देता है। बिल्कुल, ट्रंप इसी बात पर चाइना से नाराज़ हुआ, कोरिया से नाराज़ हुआ कि भाई आप लोग हमें इतना डेफिसिट देते हो, मैक्सिको 58 बिलियन पर ईयर। ऑन दी अदर, अमेरिका से हमारे तजारत जो है पॉजिटिव है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कम इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, प्लस आपको ये अभी भी अमेरिका स्टिल इज़ ए सुपर पावर, और अभी भी तमाम जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक, IMF, इवन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उस पर काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस है। 5-6 बिलियन हमारे पाइपलाइन में है वहाँ से लोन्स, 4 बिलियन का तो उनसे लेना था, वो जो कि अब वो नहीं देंगे ऐसा लगता है।
तो हम बहुत बड़ी 9 बिलियन की समझिए कि 9-10 बिलियन अगर ट्रंप साहब वाकई नाराज़ हो जाएं और कह दें एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह को इसको ना दो तो हमारे लिए बड़ा सीरियस फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है। जून तक हमें 6 बिलियन लोन रिपेमेंट करनी है, पैसा का मामला है ना, जो चाइना तो दे रहा है आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड दे रहा है ना, वो कोई कैश तो नहीं दे रहा। नहीं मेरा तो इन द लॉन्गर रन यू नो ये इस तरह के हालात हम आज नहीं पहले भी हम फेस करते रहे हैं। वी हैव बीन अ वेरी गुड अलाई टू US और जो भी हमारे रास्ते यूज़ हुए, हमारी लोकेशन यूज़ हुई, नेटो का जो सामान जाता था, अफगानिस्तान जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, तो अगेन ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो बेहतर होनी चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। हम कहाँ तक गिरते रहे, इसका स्टाइल है। हाँ अभी देखिए कोरिया के साथ ऐसा लग रहा था कि जंग हो जाएगी, कल से कह रहा है कि जी बात कर लो। हाँ। और जो कोरिया साउथ और नॉर्थ की बात हो रही हो तो मैंने करवाई है। ये इस तरह की इसका स्टाइल है, स्टाइल है ना इसका। अभी आप देखिए ना कि आपको पता ही है कि मेजर प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान वॉज टेररिस्ट फंडिंग फ्राम ईरान एंड सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह से, जो यहाँ मुख्तलिफ जो रिलीजस उसको आते थे उसको ऑलमोस्ट प्लग इन कर दिया एक धमकी से। कतर को डराया, सऊदी अरेबिया खुद ही डर गया, बाकी सब भी डर गए। अब कोई IS को फंडिंग या अलकायदा फंडिंग वगैरह सब बंद हो गई, बंद हो गई। यहाँ के हमारे मौलाना बस बड़े परेशान हैं, क्योंकि इनके पटारो छिनने वाली हैं। दे विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट बिकॉज दी फ्लो हैज़ स्टॉप्ड। तो ही हैज़ मेड सब्सटैंशियल डिफरेंस। अगर आप एक साल पहले का सोचें, अलीपो पे मैसकार हो रहा था, मोसल में मैसकार हो रहा था, वो सब रुक गया ना बिल्कुल, क्योंकि उसने IS से हाथ हटा लिया। IS तो ओबामा साहब की क्रिएशन थी। तो पीस तो आई है दुनिया में। हाँ ये है कि इज अ डिफरेंट ब्रीड, इसकी स्ट्रेटजी अलग, स्टाइल उसका है। आप जैसा बिजनेसमैन है ना, पहले धमकी दो, डर गया तो ठीक है, नहीं डरा तो फिर और धमकी दे दो, उसके बाद भी बात भी कर लो, उसके बाद भी तो रास्ता खुला है। अब देखिए ना, यहाँ एक धमकी दे के सबको हिला दिया उसने। और मजे की बात ये हुई कि आर्मी ने कहा ये तो हमारा तो एलाई है, हमसे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। सिविलियन चीखे जा रहे हैं उसके खिलाफ। तो ये बैलेंसिंग एक्ट आर्मी ने किया है। और ये जैसे कोरिया के साथ हुआ, यहाँ भी ये अच्छा ये एक बात और भीड़ साहब मानना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है वो उसके अंदर कोई बात तो है। आजकल के दौर में ये सब चीज़ें छुप नहीं सकती हैं। हकानी वाले इस्लामाबाद में बैठे हैं, सबको पता है, जब उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो पता चलता है ये हकानी है, हकानी है। ये मीर साहब हैं, ये वही मीर साहब हैं जो वो वहाँ सारा कुछ करा। तो कहते हैं कि उनकी जो परचेजिंग लॉजिस्टिक्स है ना, सब इस्लामाबाद से कंट्रोल होती है। बिल्कुल ठीक है, उन्हें हलमंद वगैरह पे उन्हें तालिबान का कब्ज़ा तो है, लेकिन वहाँ हर चीज़ पहुँच कैसे रही है, तो ये इंटेलिजेंस होगी अमेरिका के पास। बिल्कुल इसी तरह हाफिज़ सईद साहब ने तो कभी छुपाया भी नहीं उनको, मैंने भी बड़े पैसे उसे दिए। जब मैं रियाद में था तो ये अक्सर आते थे वहाँ। अच्छा। और हमें कश्मीर पे चढ़ाते थे, हम भी पैसा दे देते थे, ठाके लगाओ यार आज़ाद करो, कश्मीर को आज़ाद करो, हमने भी बड़ा पैसा उसे दिया। ही हैज़ नेवर हिडन हिज एजेंडा। आप कश्मीर जाएँ, वहाँ आप पूछें कि भाई आप लोग बड़े जिहादवाद करते हो, कहते हम नहीं करते, गुजरात से आते हैं, साफ कहते हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये इंडिया ऑफकोर्स हैज़ बीन आफ्टर हाफिज़ सईद वेरी क्लियरली, उसने फलाह इंसानियत और उनके जो मदरसे वदरसे सबको अनफोल्ड कर दिया, पकड़ लिया गया है इवन बिफोर दी ओपन स्टेटमेंट ऑफ ट्रंप, बिकॉज वो पहले से कह रहे थे गवर्नमेंट वॉज एक्टिंग अगेंस्ट दम, हैड एक्टेड। अगर कुछ नहीं था तो आपने क्यों बंद किया फलाह इंसानियत को भाई, वो तो एम्बुलेंस चलाता था। लेकिन एक बात मानी ना आपने, मैंने जो आपसे कहा था कि चाइना का तो एक एंगल ये है कि वो हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सी पैक की सूरत में, लेकिन अगर आप तारिक साहब देखें, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है, अगर आप गवादर की बात करें जहाँ पर हमारी जॉइंट फोर्सेस चाइना और पाकिस्तान की मौजूद होंगी और जहाँ से दुनिया का 60% ऑयल जो है वहाँ से गुजरता है उस स्ट्रेट से, जिस पर अभी जो हेजमनी जो है वो अमेरिकन कंट्रोल है वहाँ पर, लेकिन ईरान की मौजूदगी और ओमान की मौजूदगी और फिर पाकिस्तान जॉइनिंग हैंड्स विद चाइना,
तो ये आपका जो सारा पावर कंट्रोल होगा उस रीजन में वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज और जाहिर सी बात है चाइना को भी जो है प्रॉब्ली पावर की वजाहत की है कि हम कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बना रहे इस इलाके में। अच्छा, अभी कल ही परसों की बयान आता है। अच्छा मीर साहब, आपको ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाइना इज द मार्केट, चाइना के मार्केट का कौन सा है, अमेरिका है। चाइना चाइना इसलिए है कि अमेरिका ने फ्री एक्सेस दिया वहाँ पर। अमेरिकन हुक्मरान जो थे बड़े सीधे साधे थे, उन्होंने अपनी मार्केट खोल कर रख दी, अपनी तमाम इंडस्ट्री बंद करवा दी, और चाइना को या कोरिया को या और ताइवान को, जापान को, उससे पहले आप देखें जर्मनी को मार्केट खोल के दे दी, उन्होंने आके वहाँ पे कब्जा कर लिया और उनकी अपनी इंडस्ट्री तो सारी बंद हो गई। ये जो ट्रंप का वोट है, इट्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 30 इयर्स। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी रैम्पेंट बहुत ज़्यादा हो गई है अमेरिका में। अभी आप शिकागो वगैरह के इलाके में अगर आप निकल जाएँ दिन के वक्त, यू विल फाइंड स्कोर्स ऑफ पीपल सिटिंग विदाउट एनी वर्क। अपने अपने अमेरिकन अमेरिकन्स के लिए तो अच्छी पॉलिसीज़ है उसकी। हाँ, जो स्टांस उसका था और जो भी उसकी कॉल थी वो बहुत अच्छी थी, नॉट टू क्रिएट। हमें भी आजकल हर जगह ऐसी चीज़ की जरूरत, हमें भी मेड इन पाकिस्तान को ज़्यादा तरजीह देनी, बिल्कुल देनी चाहिए। जब ही तो हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल होगी, लेकिन प्रोडक्शन जो है मेड इन पाकिस्तान पे, अगर हम पहने खाएं ओढ़े हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान को अगर तरजीह दें, जिस तरह से इंडियंस देते हैं, जिस तरह से और बहुत सारी सक्सेसफुल नेशंस देती हैं, तो मेरे ख्याल में डिफरेंस आएगा यही। आप सही कि आप बिल्कुल अच्छी अप्रोच है कि मेरा मैं चाइना जाना हम करते हैं, चाइना ठीक है, चाइना इज सिटिंग ऑन 3000 डिपॉजिट एंड दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मनी। और वो जो यहाँ लगा रहे हैं वो 5-5.5% पे लगा रहे हैं, जबकि अगर अमेरिका में लगा के एज ए बॉन्ड में रखें तो 0.25% मिलता है। तो इनका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है। बिल्कुल, तो ठीक है चाइना। मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिकल बात ये होगी कि आजकल चाइना के पास पैसा है तो उसके पीछे भागो, किसी जमाने अमेरिका के पास था उसके पीछे भागो, पहले भागते थे उसके पीछे। हमने बड़ा अच्छा किया कि हम शुरू से अमेरिका के पीछे भागे। जो इंडिया ने गलती की इंडिपेंडेंस के बाद, सोवियत यूनियन के पीछे भाग गया, बड़ी बेवकूफ़ी की उसने, नेहरू वगैरह ने, कहते हमारे बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा जिधर नई टेक्नोलॉजी है और जहाँ माल है उधर जाओ, उधर जाओ, वो चले गए और बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। सही क्या, अगर आप 47 से लेकर अब तक की आप टोटल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को निकालें, देर इज अ गैप ऑफ 280 बिलियन। 80 बिलियन तो आपका कर्जा है, वो तो सही, यानी कि 200 बिलियन आपने फ्री खाया है, खा लिया जब से पाकिस्तान बना, मांग के खा गए, हजम भी कर लिया। तो ये आदत कैसे हमारी बदले? वो जो कह रहा है 33, वो भी सही कह रहा है, 33 तो उससे ज़्यादा ही आया होगा शायद, या उतनी तो आया होगा, वो तो खैर ज़ाहिर जंग में लग रहा था। अमेरिका से हमने खाया ठीक ठाक, अब वो हो गया खुद गरीब, बात ये है। हाँ, खुद 21 ट्रिलियन का डेट कोई मामूली बात नहीं है, जब ऐसे वक्त पे जो है हिसाब किताब ज़्यादा याद आता है। मैं तो शुरू जब ये जीता भी नहीं था ना, तब मैं कहता था ये आएगा ना तो कॉस्ट कटिंग करेगा। कॉस्ट कटिंग में बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दुनिया भर से बेसिस वगैरह ख़त्म करेगा, बिल्कुल हर जगह से इन्वॉल्वमेंट कम करेगा पैसे बचाने के लिए। और ये जो अभी 33, ये जो 4 बिलियन नहीं दे रहा है ना, ये सिर्फ वही है, कॉस्ट कटिंग है, कैश फ्लो इशू है। 4 बिलियन बच गया तो उसके लिए अच्छी खासी बचत हो गई, अच्छी खासी, उसको तो टारगेट कि ज़्यादा देर पहले हिसाब तो मांगो। पैसा पैसा के मोहताज है इस मुल्क, अभी वो बहुत बुरे हाल में है। तो वो इसी वजह से उसने कहा कि भाई जापान एटम बम बनाते तो बनाए, हमें क्या, क्यों ऐसा बोला उसने, इसलिए बोला कि जापान पे उसका बहुत बड़ा खर्चा इस वक्त है, इतनी बड़ी बेस है वहाँ पे, एक एक अमेरिकन तो बहुत खाता पीता है, बिल्कुल कोरिया में बहुत बड़ा कॉस्ट है उसका, वो चाहेगा कि निकल जाए वहाँ से, जर्मनी से भी निकल जाए। तो इस प्रोसेस में दुनिया पीसफुल होती जा रही है मेरी नज़र में। हाँ सही, क्या अगर वो नहीं इंटरफेयर करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अफगानिस्तान से भी चला जाए, आपस में अफगानी कुछ ना कुछ तय कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये जब तक ये रहेगा अफगानी लड़ता रहेगा, पहले भी तो उससे पहले चल ही रहा था। हाँ चल ही रहा था, जब रशिया ने इंटरवीन किया था प्रॉब्लम आई, अगर कोई इंटरवीन ना करे तो पीपल विल वर्क आउट समथिंग। तो आप मार्केट को कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं, हमारी मार्केट? मार्केट तो दोबारा तक मैं समझ दोबारा ऊपर जाएगी, कहाँ इट विल क्रॉस 52 क्रॉस करेगी, वेरी पॉजिटिव अबाउट इट बिकॉज देयर आर ऑल पॉजिटिव सिग्नल्स। बस ये है कि थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा इत्मीनान चाहिए और थोड़ा सा हौसला चाहिए,
और अगर आपकी बेहतर सिलेक्शन हो तो आई डोंट थिंक कोई इनसिक्योर फील करेगा इस मार्केट में. बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, बड़ा अच्छा अच्छा रिटर्न देती हैं. आपने कहाँ ज़्यादा लगाया हुआ है? मैंने तो अच्छा मैंने फॉलो किया अपने अपने दोस्तों को, हमारे अपने ब्रोकर की जो एडवाइसेस को, तो मैंने जो एक बड़ी बास्केट बना ली थी जो कि छोटी छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है और फार्मा सेक्टर है जिसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, और इसके अलावा ज़्यादातर भी यही सेक्टर है जिसमें. अच्छा, तो मैं एडवाइस करूँगा तो डाइवर्सिफाई करें. अच्छा, स्टील इज़ डूइंग वेरी वेल. स्टील, हाँ स्टील भी है. स्टील का मैं आपको बेसिक वायबिलिटी बताता हूँ कि आजकल स्क्रैप 35 रुपये के जी है और सरिया 97 का के जी है. आप खुद बिजनेसमैन हैं, 62 रुपीज़ का गैप, बहुत बड़ा गैप इन जस्ट कन्वर्टिंग स्क्रैप इनटू सरिया. सरिया कोई बड़े हाईटेक तो काम नहीं है. तो इसी तरह सीमेंट में तो टिन प्लेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिद्दीक टिन प्लेट, सिद्दीक इट वॉज नॉट ए वेरी वेल रन कंपनी, बट सिंस द इकोनॉमी इज़ बूमिंग तो उनका भी काम चल रहा होगा. अच्छा, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया. ओके, नॉट ए बिग इंथ्यूजिस्ट ऑफ दैट, लेकिन उसी के बजाय अगर आप और जो कंपनीज हैं आयशा वगैरह में लगा मोगल में लगा दें, दिस पीपल आर डूइंग वेरी वेल, दे आर ऑल एक्सपेंडिंग ऑल्सो. हाँ, अमरेली है. स्टील तो खैर, स्टील की कंजम्पशन तो मैं एज अ कंस्ट्रक्टर, एज अ डेवलपर मैं तो देखता हूँ स्टील और सीमेंट सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है उसी की. यहाँ पर जब आप उड़ें तो आप किसी शहर में भी जब लैंड करते हैं, जहाँ से उड़ते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी फ्यूचर डेवलपमेंट नज़र आती है जो कि अभी यहाँ नहीं है. यहाँ पे अभी तक मास ट्रांजिट तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है. तो ये तो वाकई में सीमेंट और सीमेंट की भी सेल अभी जो दिसंबर की भी आई है बहुत अच्छी फिगर्स आई हैं. अच्छा, और सीमेंट में मार्जिन थोड़े कम हो गए. हमारी तो एक्सपोर्ट डिमांड भी सीमेंट की बढ़ती, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि लोकल डिमांड ज़्यादा है और रेट्स अच्छे हैं जी. और मार्जिन जो थी पहले अगर 47 थी तो अब घट के शायद 37 हो गई है. ओके, मगर 37 ग्रॉस मार्केट इज़ ए ह्यूज मार्केट क्योंकि आम बिजनेस 4-5% पे काम करते हैं. तो अगर आप सीमेंट सेक्टर में यू शुड नॉट वरी, अगर आप स्टील में है यू शुड नॉट वरी एट ऑल. सॉलिड सेक्टर्स, फार्मा इज़ गुड, फोटो ऑफकोर्स इज डूइंग वेरी वेल. तो मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का. नाज़रीन, मीर साहब थे यंग जेंटलमैन विद एंटरप्रेन्योर और माशाल्लाह इन्होंने भी बुढ़ापे की तैयारी भी कर ली अभी से कि बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स खरीद के छोड़ दिया. एंड ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग हेड इन्वेस्टर जो बेचते नहीं हैं, जितने भी लोग ड्राइवर हैं. तो आई एम श्योर ही विल बी सक्सेसफुल और ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 52 वाला पे फिर से जाएगी मार्केट और इंडीड जाएगी. क्यों? कि जो उसको कॉम्पोनेंट्स आर डूइंग वेरी वेल, तो वाई शुड द मार्केट नॉट डू वेल? इफ़ ऑटो इज़ बूमिंग, if pharmacy is doing very well, if fertilizer is doing very well, if banks are doing very well, if cement is doing very well, if steel is doing well, to yahi hai hamari maishat aur kya hai, yahi aapki investment hai. Aur prime minister kaun hai nahi hai, mir sahab ko fark nahi padta na meri factory mein koi fark padta hai, kaam chalta rehta hai aur economy chal rahi hai, achhi chal rahi hai aur yahan bahut potential hai bhi growth ki. To jitne bhi cement banana chahe bana le, jitna bhi aap स्टील बना लें बिक जाएगा. ये सबसे अच्छी बात है पाकिस्तान की. इसके साथ इस सेक्शन से जाना चाहता हूँ.